हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में जानने वाले हैं जो कि डॉक्टर द्वारा आर्थराइटिस के पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो दवा है इंडोमेथासिन। इसमें इसकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में जानेंगे, जिसमें जानेंगे कि ये इसके ब्रांड्स नेम के बारे में, कि कौन कौन से नाम से जो है आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, इसके यूज, इसके डोज, इसके साइड इफेक्ट और सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ब्रांड्स नेम की बात करें तो ये आपको मेडिकल स्टोर पे डोनिका नाम से डोनिका कैप्सूल, माइक्रोसीड कैप्सूल, इंडो कैप कैप्सूल, इनमर्स इनमेसिन कैप्सूल, ये सब जो है आपको इस नाम से मिल जाएगा। यह जो कैप्सूल है ये 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम की SR फॉर्म में जो है मिल जाएगा। इसमें जो इंडोमेथासिन है, इसमें जो इंडोमेथासिन है, यह एक प्रकार का जो है NSAID क्लास की दवा है, या बोल सकते हैं नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक क्लास की दवा है और पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी है। यह जो है साइक्लोक्सीजनेज एंजाइम पर कार्य करके उसके जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके संश्लेषण को ही कम कर देता है, और जो पेन के लिए जो पेन रिसीवर होता है उसके ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो है दर्द का एहसास नहीं हो पाता है। बात करें इसके यूज की कि किन किन कंडीशन में यूज किया जाता है, तो जैसे शुरू में ही हम बात किए कि यह जो आर्थराइटिस के पेशेंट में दिया जाता है और ये नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक क्लास की दवा है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, तो इसका इस्तेमाल जो है पेन एंड इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, उसमें दर्द हो, जोड़ों में सूजन हो, उस दर्द और सूजन को कम करता है ये इंडोमेथासिन टैबलेट या कैप्सूल बोल सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, उसमें भी जो है ये इंडोमेथासिन जो है डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक्यूट गाउट की प्रॉब्लम हो, तीव्र गठिया हो या मस्कुलर पेन हो, तब भी दे सकते हैं। पेनफुल पीरियड्स हो, पीरियड्स के कारण दर्द हो रहा हो, तो उसमें भी जो है इंडोमेथासिन दिया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो उसमें भी दे सकते हैं। हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, उस कंडीशन में जो है इंडोमेथासिन जो है कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको फीवर में भी दिया जा सकता है। बात करें इसके डोज की, तो देखिए एडल्ट डोज की बात करें तो 25 मिलीग्राम की कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, या 50 मिलीग्राम की अगर कैप्सूल देते हैं तो दिन में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन अगर 75 मिलीग्राम की SR फॉर्म में अगर कैप्सूल देते हैं तो दिन में 1 बार ही खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। बच्चों में इसका इस्तेमाल ना करें, बच्चों में देना हो तो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, चक्कर आना या हाइपर कैलीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपर कैलीमिया उसको कहते हैं जब ब्लड में जो है पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में ये भी हो सकता है कि आपके ब्लड में जो है जो पोटेशियम होता है उसकी मात्रा जो है उसका लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक लेंगे तो पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, आंतों में ब्लीडिंग होना, पेट दर्द, इनडाइजेशन और जो है कानों में घंटी सी बजना, कब्ज, सिर दर्द, ये सब जो है इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बात करें इंडोमेथासिन कैप्सूल लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो याद रखना है कि यदि किसी व्यक्ति को इंडोमेथासिन से किसी भी प्रकार की एलर्जी होता है तो उस कंडीशन में यह कैप्सूल नहीं देना है। यदि किसी व्यक्ति के आंतों में ब्लीडिंग हो रहा हो या पेप्टिक अल्सर हो या अस्थमा का पेशेंट हो, उनमें यह कैप्सूल ना दे। बच्चों में बहुत ज़रूरत होने पे सावधानी के साथ डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है, और ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनमें लो डोज में सावधानी के साथ दे सकते हैं, और प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, अल्कोहल का भी इस्तेमाल ना करें, अगर यह कैप्सूल यूज कर रहे हैं तो शराब का सेवन ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग में दिया जा सकता है, लेकिन एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। ड्राइविंग ना करें
इसको लेने के बाद हो सकता है चक्कर आए, तो इसलिए ड्राइविंग करने से बचे। और यदि किसी व्यक्ति को लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उनमें सावधानी के साथ यह कैप्सूल लेना चाहिए। यदि कोई किडनी पेशेंट है तो उनमें जो है सावधानी के साथ और डॉक्टर की सलाह से ही जो है इंडोमेथासिन कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये था इंडोमेथासिन की संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।